देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शाइन पब्लिक स्कूल फुल एंड टुडे लेसन हाउ टू क्रिएट द जीमेल अकाउंट। आजकल जो भी जॉब आ रही है उसमें जीमेल जरूर मांगते हैं, इसलिए आपको जीमेल अकाउंट आपका होना लाजमी है। वो कैसे बनाया जाता है तो बिना किसी ताखीर के चलते हैं अपने लेसन की तरफ और आपको रूबरू बनाकर स्क्रीन पर दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहां पर आप लिख लीजिए क्रिएट जीमेल अकाउंट, क्रिएट जीमेल अकाउंट। यहां पर मैंने क्रिएट जीमेल अकाउंट लिख लिया और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहां पर support.google.com आ जाएगा, इस वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट, यानी अपना अकाउंट बनाइए, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे नाम मांग रहा है, यानी आपका फर्स्ट नेम जो है आप नाम बताइए। उसके बाद यहां पर नेम लिख लेते हैं, मैं अपने एक स्टूडेंट की बना रहा हूं तो उसका नाम लिख लेता हूं ताहिर, मोहम्मद ताहिर उसका नाम है तो मोहम्मद ताहिर लिख लेते हैं, मोहम्मद और लास्ट नेम में लिख लेते हैं ताहिर। ठीक है, टी बड़ी कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। और यहां पर यूजर नेम लिखना है तो हमने यहां पर यूजर नेम लिखना है एम ताहिर और 11 @gmail.com आगे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद यहां पर पासवर्ड दे लेते हैं, ये बोल रहा है यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल एम ताहिर 11 नहीं एम टी, यहां पर सजेस्ट कर रहा है, यानी कुछ आप और लिख सकते हैं तो सजेशन मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद खुद बनाना चाहता हूं एम ताहिर। एम ताहिर कॉस्ट लिख लेते हैं यहां पर, तो हम यहां से लगा लेते हैं एम ताहिर किलाल 11। और उसके बाद यहां पर मैं पासवर्ड मैनेज कर लेता हूं, जो मुझे पासवर्ड मैनेज करना है, अपनी मर्जी का आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहें लगा सकते हैं, मैं अपनी मर्जी का लगा रहा हूं और आपके पास शो नहीं होगा क्योंकि मैं शो करना नहीं चाहता। मैंने पासवर्ड लगा लिया और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, यही पासवर्ड आपको दोबारा लगाना है। उसके बाद यहां पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। पासवर्ड जो मैंने लगाया है वो बोल रहा है करेक्ट नहीं है, तो पासवर्ड हमने दोबारा लगाना है और लगाने के लिए वो बोल रहा है इसमें क्या क्या सिलेक्ट होना चाहिए। मैंने रॉन्ग लगाया था ताकि आप समझ सकें। यहां पर लिखा हुआ है प्लीज चूज अ स्ट्रांग पासवर्ड, स्ट्रांगर पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उसमें ट्राई अ मिक्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और सैंपल्स भी होना चाहिए। मैं अब ऐसा पासवर्ड लगाऊंगा जिसमें सब चीजें शुमार होंगी। बफरिंग करने के बाद यहाँ पर वेलकम टू गूगल लिखा हुआ रहा है। इसके बाद मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, यानी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ना दें, पर हम यहाँ पर मोबाइल नंबर लाजमी देंगे क्योंकि अगर हमें पासवर्ड अपना भूल जाता है तो रिकवरी के लिए काम आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पासवर्ड अपना नंबर लिख लेते हैं, 92 के साथ लिखना है, यानी पाकिस्तानी कोड के साथ 92, और उसके बाद 3057099 5615। उसके बाद यहां पर रिकवरी ईमेल एड्रेस, यानी अगर आपको अपनी पासवर्ड भूल जाता है या आपकी जीमेल लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो आप रिकवरी जीमेल लगाकर रिकवर कर सकते हैं। मैं रिकवर करने के लिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने ऑप्शनल नंबर पहले ही लगाया हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ यहां पर मुझे लगानी है बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लगाने के लिए
डेट ऑफ बर्थ चाहिए। मैं कोई भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल लगा लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं जनवरी, तो 2006 यानी यहाँ पर आपको डेज लगाने हैं, यहाँ पर आपको मंथ लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको साल लगाना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप यहाँ पर रीड कर लीजिए और उसके बाद आई एग्री कर लीजिए। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एम का यहाँ पर आपको साइन नजर आ रहा है, यानी आप भी आपकी जो जीमेल आईडी है वो बंद कर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ रहा है शाइन पब्लिक स्कूल इज रेडी साइन इन, यानी यहाँ पर अगर आप इसको साइन इन करना चाहते हो साइन इन कीजिए, मुझे साइन इन नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी मेरी आईडी यहाँ पर साइन इन है, तो नो थैंक्स कर लीजिए क्योंकि आपकी पहले ही आईडी यहाँ पर साइन इन है। और आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपकी जीमेल आईडी बन चुकी है। उम्मीद है लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह से लेसन मिल सकें, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लेसन उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि नए से नए लेसन तक आप पहुंच सकें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए।